दोस्तों, मैं गुफरान मलिक, जिला अध्यक्ष जनता देश संगठन सारण, आज फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। कोरोना वायरस को लेके पूरी दुनिया में जो आफत मची हुई है और भारत में भी जो माहौल बना हुआ है इस टाइम लॉकडाउन का भी, इससे संपूर्ण भारत में इसको लेकर लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो इसको सीरियस नहीं ले रहे। मस्जिदों के अंदर नमाजें अदा की जा रही, इकट्ठा हो रहे, मकसद ये नहीं, खासकर मैं खासकर अपने मुस्लिम भाइयों के मन से ये बात निकाल देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सरकार भाजपा की चल रही है और ये मस्जिदों से अपनी दुश्मनी निभा रही है, तो ये दुश्मनियों का वक्त नहीं है। ये देश को बर्बाद होने से और देश को मैं कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं हुकूमत द्वारा। इसमें किसी का धार्मिक उत्पीड़न नहीं किया जा रहा, जो लोग समझ रहे हैं। ये बीमारी एक दूसरे के जरिए लोगों में जा रही है और इससे बचाव का रास्ता यही है कि लोग एक दूसरे से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। क्षेत्र के अंदर गली मोहल्लों में नौजवान तबका इकट्ठा हो के कोई इस जगह खड़ा है, कोई इस जगह खड़ा है, ये देश के लिए, कॉलोनी के लिए और परिवार के लिए हानिकारक है। इसको लोग जितना समझ ले तो उतना अच्छा है। प्रशासन को किसी भी तरीके से मजबूर ना करें, सहयोग करें इसमें, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। इससे क्या फायदा होगा कि क्षेत्र के अंदर पुलिस आएगी, डंडा बजाएगी, गिरफ्तारियां करेगी, मुकदमे दर्ज करेगी, जेलों में डाल लेगी, क्योंकि पुलिस को हर संभव लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोकना है, चाहे उसको कोई भी तरीका अपनाना पड़े। देश बड़ी संकट की घड़ी पर खड़ा हुआ है। एक तरफ कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान भारत गवर्नमेंट को रोज हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ रहा है। भूखमरी का जमाना आ गया है, इसे समझ नहीं रहे थे लोग। और मुसलमान, खासकर मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो ये मत समझे कि हमें रोक दिया गया है, मस्जिदों में इकट्ठा होने से रोक दिया गया है। अब देखिए, लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे, आ रहे जा रहे अपना रोजमर्रा की तरह काम पे, कि किसी न किसी तरीके से घरों से बाहर निकलना है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को समझना होगा और अपने घरों में ही रहना होगा। हम हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपने घरों से बाहर मत निकलो। भाजपा को इसका टारगेट मत बनाओ। मस्जिदों को बड़े बड़े उलेमा इकराम, मुफ्ती इकराम ने मशवरा किया है इस बीमारी को लेकर, और उन्होंने भी यही रास्ता निकाला है कि भाई मस्जिद के अंदर एक दो आदमी, मस्जिद वीरान ना हो इसलिए एक इमाम, एक मौज़म और एक मुतवल्ली, दो तीन आदमी अजान पढ़ के नमाज अता करें और बाकी लोग अपने अपने घरों में, और वो भी इकट्ठा होकर नहीं, अलग अलग कम से कम एक दो मीटर की दूरी बनाकर एक दूसरे से खड़े होकर नमाज अता करें, और गली मोहल्ले के अंदर की स्थिति को बिल्कुल सुधारे, ऐसा माहौल बना दे। कर्फ्यू का मतलब है कर्फ्यू बाहर आदमी दिखाई न देना चाहिए कोई भी। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बंद कर दे बस, यो तो बात करते हैं भाई, मेरा कोई कमी है।